उत्तर प्रदेश पुलिस मेरिट भर्ती 2015-16 में रिक्त रह गए सीटों के लिए संघर्ष कर रहे पॉइंट से छठे हुए सभी भाइयों और बहनों को जय जय। मित्रों, आप लोगों को पता ही होगा, ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारी बातें अवगत करा दिया गया। 18 दिसंबर दिन बुधवार को जो बहस हुआ है जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी के कोर्ट में, कोर्ट नंबर 36 में, हमारे जो सीनियर एडवोकेट अनु त्रिवेदी जी और जूनियर एडवोकेट पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट एडवोकेट सीमान जितने भी वैकेंट सीट के लिए लड़ाई लड़ा जाता है उसमें सीमान सिंह का नाम जरूर आप देखे होंगे। अनफिल्ड वैकेंसी के लिए तो वो स्पेशलिस्ट है, इसमें दो राय नहीं है उसका। देखिए, आज हमारे कई अधिवक्ता हैं केस में, लेकिन जो सराहनीय कार्य सीमान सिंह जी का है उसे हमारे जितने भी भाई और बहन रिट पिटिशनर में लिप्त हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए, ये एहसान है। क्योंकि 18 दिसंबर 2018 दिन बृहस्पतिवार जब हम लोगों का बहस हो रहा था कोर्ट नंबर 6 में, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के कोर्ट में, जहां लोग बहस करने से बड़े बड़े अधिवक्ता जाने से परहेज करते हैं क्योंकि डिसमिस वहां 90% केस होता है, लेकिन वहां अपना केस एक्सेप्ट हुआ था और इंट्रैक्शन कॉल हुआ था। हाँ, एक हमारा आधार का कार्य यशवंत वर्मा जी भी करके गए हैं। जब हमारा इंट्रैक्शन कॉल हुआ था तो आप ऑर्डर कॉपी निकालिएगा, उसमें लिखा होगा कि जतो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड आपने किया है तो उसका लिखित रूप से डाटा प्रस्तुत करिए, हलफनामा प्रस्तुत करिए कोर्ट में, और जतो नहीं किया है तो आप डिटेल दीजिए। तो भर्ती बोर्ड 2018 दिन बुधवार 18 दिसंबर को ही फंस चुका था, तब हमारी भर्ती पेंडिंग में थी और तब से आज तक उन्होंने कोई कैरी फॉरवर्ड का तो नाम ही नहीं लिया। लगभग साल भर बीत गया, कोर्ट में इन्होंने कोई भी हलफनामा, कोई भी इस पे बहस नहीं हुआ कि मैं वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया हूं। तो जो लोग ये मनगढ़ंत कहानी बतियाते हैं, जिनको नॉलेज की कमी है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी और भावनाओं से कार्य करते हैं, उनको मेरा एक एडवाइस है कि एक काम बंद कर दें। कैरी फॉरवर्ड का तो मामला कहीं हुआ ही नहीं, कोर्ट ने कहा, कोर्ट के जो कोर्ट क्या सॉरी जो भर्ती बोर्ड के अधिवक्ता होते हैं उन्होंने कभी नाम ही नहीं लिया कैरी फॉरवर्ड का। वो बचते रहे कि हमें सीटों का डिटेल ना देना पड़े, लेकिन हम भी उनके पीछे लगे रहे। और जो सत्य के मार्ग पे चलता है, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है, उनको सब कुछ मिलता है। तो वो नहीं दिए तो एक दिन उनको तलब होना पड़ा, और उनको नहीं हेडक्वार्टर सचिव और भर्ती बोर्ड तीनों को तलब करवा लिया गया है। सचिव जो भर्ती बोर्ड के जो भर्ती के मुख्य होते हैं उन्हीं के द्वारा विज्ञापन निकलता है, बिना उनके आदेश के विज्ञापन जारी नहीं होता है। भर्ती बोर्ड का कार्य है सेलेक्ट करना, नियुक्ति देना तो कार्य है हेडक्वार्टर का। अभी तक ये लोग बचते रहे भर्ती बोर्ड की मैं डाटा नहीं दे सकता हूं, मेरे पास नहीं है। तो इस बार तीनों लोगों को पार्टी बनाया गया है, ना तो भर्ती बोर्ड ये कह सकता है, जब तो भर्ती बोर्ड कहता है हमारे पास ये सीट नहीं है, हम डाटा नहीं देते हैं, तो हेडक्वार्टर देंगे। उनके पास तो है, नियुक्ति का कार्य हेडक्वार्टर का होता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड सेलेक्ट करके फॉरवर्ड कर देता है हेडक्वार्टर को। मेडिकल का जिम्मेदारी उन्हीं का काम है,
मेडिकल का जिम्मेदारी आरटी निदेशालय और जीटीसी का काम, जीटीसी का काम हेडक्वार्टर का है और फिर बाद में आता है आरटीसी निदेशालय का काम, तो उनको भी हेडक्वार्टर से कनेक्ट होते हैं, तो कोई किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकता है, चाहे सचिव जी हो, चाहे भर्ती बोर्ड हो या हेडक्वार्टर। अब तीनों लोगों को तलब कर लिया गया है, या तो खुद आके देंगे, या तो डाटा भेजेंगे, या तो एक हल्फनामा भेजेंगे कि जितने भी पेटिशनर हैं उनको अलाउ कर दिया जाए। तीन से चौथा शब्द नहीं होगा, और चौथा शब्द होता है तो जज साहब इतने फेवर में है पेटिशनर के, तुरंत अलाउ कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं कि वो कोई हल्फनामा ना दें और ना वो हमें अलाउ हो जाए। अलाउ तो 18 तारीख को भी हो जाता, जज साहब ने कहा कि मैं जब तो आज अलाउ कर दूं तो कल का भर्ती बोर्ड ये एलिगेशन लगाएगा कि हमारे पास सीटें नहीं है, तो सबसे पहले उनको लास्ट मौका दिया जाए और डिटेल दें, क्योंकि कोर्ट हमारी बात समझ चुका है और हमारी जो भावना है उसको समझ रहा है। जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी एक जज है लेकिन हमारे लिए वो ईश्वर है, क्योंकि हजारों भाइयों की जिंदगी का सवाल है और जितने भी भाई हैं सब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने आज तक कभी ना तो गुमराह करने वाला कोई आइडियो किया हूं, ना तो गुमराह करने वाला किसी बात को किसी भाई को बताया गया है। हमेशा सत्य के रास्ते पे चला हूं, और समस्या तो हुआ है, काफी लोगों द्वारा मेरा बगावत किया गया है हर कदम पे, लेकिन ना तो मैं डगमगाया हूं और ना पीछे झुका हूं, सिर्फ एक सत्य के मार्ग पे चला हूं, जो हमें करना चाहिए हमने किया है। इसमें तमाम हमारे भाइयों का सराहनीय योगदान है साथ देने का, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो हम लोगों का जीत एक कदम पीछे है, नया वर्ष में प्रारंभ जैसे हम लोग करेंगे, तमाम हमारे भाई वर्दी में होंगे। 2019 तो समाप्ति पे है और 2020 प्रारंभ जैसे होगा वैसे हमारे आपके जीवन में एक नया ज्योति जगेगा, क्योंकि जितने भी हमारे भाई परेशान हैं या तो उनको वर्दी मिलेगा तो एक नया जीवन का प्रारंभ होगा। तो जरा सा भी आप डगमगाइए नहीं, कई ऐसे जिले हैं जहां नेट प्रॉब्लम चल रहा है, स्पीड कम है या तो बंद कर दिया गया है, यहां तक आइडियो या वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। काफी हमारे भाई फोन करते हैं, थोड़ा फोन का आप लोग इस्तेमाल कम करिए, क्योंकि आप पूरा यूपी बहुत बड़ा है और जब सब लोग फोन करने लगोगे तो हम भी एक साधारण इंसान हैं, सबका फोन रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो मैं सबका फोन रिसीव करता हूं, समय कम दे पाता हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन फोन सबका रिसीव होता है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं इसलिए फोन रिसीव करता हूं। मैं कोई किसी को जो भी कहा हूं उसका किया गया है, तो इसलिए आप लोग जीत के बहुत करीब हैं, जरा सा भी चिंतित ना होइए। आगे क्या कार्य करना है, प्रोग्राम बनाया जा रहा है, लड़ाई लड़ा जाता है तो तन मन धन से लड़ा जाता है, जब तो एक जरा सा चूक होता है तो उसको तुरंत सही कर लिया जाता है। एक एक नहीं, आठ आठ अधिवक्ताओं के साथ जाके एक वार्ता किया जाता है, राय लिया जाता है, तब इस स्थिति तक केस आया है। इतना आसान नहीं होता है, नहीं तो अब तक कब का केस उड़ गया होता और काफी लोग ऐसा कह भी रहे थे, लेकिन लोगों को हम कोई प्रभाव नहीं किए। हम एक जो हमको कार्य करना था, जो हमारा लक्ष्य था, उसको सोच सोच के हम आगे बढ़ते गए और आज ऐसा दिन आया है कि भर्ती बोर्ड खुद झुक गया है। लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है, और जितने भी हमारे पटिशनर हैं, जितने भी हमारे करीबी हैं, उनको भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे और पटिशनर हैं वैसे साधारण इंसान की तरह हमें कार्य करना चाहिए, जब तक हमें अपना लक्ष्य मिल नहीं जाता है, और लक्ष्य मिलने के बाद भी हमें शांत रहना चाहिए,
सबसे बड़ी कमजोरी है आदमी का विनाश होना घमंड। इसको तो आप लोग जीवन में कतई मत करिएगा, आप वर्दी पा जाओगे कहीं भी रहिएगा, लेकिन घमंड नाम का चीज नहीं होना चाहिए। तो सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ग्रुप में शांति बना के रहिए, कमेंट बाजी मत करिए, आपको वर्दी मिलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह सकता हूं, हाँ जस अपजस परिणाम ये ईश्वर के बस में है, ये हमारे आपके बस में नहीं है। हमारा आपका कार्य संघर्ष करना है, सत्य रास्ते पे चलना है, और जो संघर्ष करता है सत्य के रास्ते पे चलता है उसको परिणाम जरूर मिलता है, उसको लक्ष्य का प्राप्ति जरूर होता है। ये गीता में उपदेश दे चुके हैं श्री कृष्ण भगवान की जब अर्जुन भयभीत होने लगे तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप परेशान ना हो, आप अपना कार्य करो, आप परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो उस चीज को हमें याद करना चाहिए, हमारा काम कार्य करना है, संघर्ष करना है, परिणाम देने वाला ऊपर वाले हैं। हनुमान स्वामी हैं, माता रानी हैं, जो उनका कृपा हमेशा हम लोग पे बरसता है और बरसता रहेगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं हैं। हमारा जो हक है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। भारतीय बोर्ड और राज्य सरकार के गलत मानसिकता के वजह से आज हम लोग को इस यह दिन देखना पड़ रहा है, वरना हम कहीं ना कहीं आज वर्दी में होते, चाहे पीएससी में सेलेक्ट होते, चाहे कांस्टेबल में सेलेक्ट होते। लेकिन हाँ, दूसरी बात, जो भाई कम नंबर पाए हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम चांस पेटिशनर अलाउ होने वाला है, ये आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, एक एक बात और आप लोगों से बताना मैं चाहता हूँ। इस समय मैं देख रहा हूँ जो हमको जानकारी मिल रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है इन चीजों पे ध्यान देने का। तमाम किस्म के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, लड़कों को गुमराह किया जा रहा है, मेरे नाम पे कुछ धन इकट्ठा किए जा रहे हैं झूठ बोल के कि उनको देना है, ये देना होना है। तो इन लोगों से सावधान रहिएगा कि ये करना है, रीड के लिए करना है। तो मैं आज तक जिनका भी रीड करवाया हूँ सिर्फ मिनिमम बैलेंस लिया हूँ। मेरे नाम पे लोग चार चार पच पच हजार ले ले रहे हैं और ले चुके हैं। तो इन लोगों से सावधान रहिएगा, जिनको कोई समस्या होता है वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। अनावश्यक कोई गरीब भाई किसी को नहीं देगा। मैंने सिर्फ 500 रुपया मांगा, वो भी कितने भाई हिला हवाली कर रहे हैं देने के लिए। इतने अभ्यर्थी जुटे हैं, पेटिशनर बने हैं, अभी 200-225 तक पहुंचे हैं। मैंने कभी किसी जो भी दिया तो भी वेलकम, नहीं दिया तो भी वेलकम, लेकिन ये आखिरी है। हम जब तो इस तरह किसी और भी अधिवक्ता को कर लेंगे या और कुछ पैसा हम अधिवक्ता को दे देंगे तो और मन से लड़ाई लड़ेंगे। हर बात को ध्यान दिया जा रहा है कि 6 तारीख को या उसके आगे पैसा की कमी ना होने पाए, लेकिन हमारे भाई सोच नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा जुड़ा गए। तो कुछ समस्या हो जाता है तो फिर जीवन भर पछताओगे आप और हम। इसलिए सभी भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि जो भाई नहीं दिए हैं वो 3-4 दिन के अंदर कर दें, जिससे आगे बहस में जब तो हमको कोई और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े तो समस्या ना हो, क्योंकि तुरंत पैसा का इस्तेमाल इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भाई नहीं दिए हैं वो भाई अकाउंट में डाल के अपना डिटेल और उसका स्लिप डाल दीजिए। मेरा गूगल पे नंबर है 9454-26-84-86, ये फोन पे गूगल पे पे दोनों कनेक्ट है। बाकी अकाउंट नंबर ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इन लोगों से सावधान रहिएगा जो अलग अलग ग्रुप बना के इधर उधर गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि अब याची आर्डर आना है तो ये तड़फड़ा रहे हैं। तो इनको तड़फड़ाने दो, कुछ नहीं होगा, बाकी हम सारा प्रोग्राम फिट है, कोई समस्या नहीं होने पाएगा। अब तो भारतीय बोर्ड हेडक्वार्टर और सचिव को तलब कर लिया गया है, तो इनको तड़फड़ाने दीजिए कि नया नया ग्रुप बना रहे हैं।
आप इन लोगों से सावधान रहिएगा। हाँ, जो भाई नहीं दिए हैं वो जल्द से जल्द पेमेंट कर दें। और 6 जनवरी ये हम लोगों के जीवन का आगे चलने के लिए प्रारंभ, नया जीवन होगा। और जस्टिस महेश चंद त्रिपाठी जी के द्वारा, एक तरफ मेरे लिए भगवान हैं, उनके द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा वो हमारा जीवन बदलने वाला डिसाइड होगा। तो आप जरा सा भी ना परेशान रहिए, फोन का सेवन कम करिए, जिनको बहुत समस्या है वही करें, नहीं तो फोन मत करिएगा। और आगे आज जो मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उनसे आईजी साहब से बात करवाने का वार्ता चल रहा है, आज बात करवाया जाएगा। और कल जगदम्बा पाल जो बस्ती के सांसद हैं उनसे मिलेंगे। तो इधर जो मिलना जुलना है वो कार्य चल रहा है, जितना हो सकता है वो दबोट डलवाया जा रहा है। मैंने आपसे भी कहा, शुरू से लेके अंत तक मैंने संघर्ष पे विश्वास किया है और अंत तक करता रहूंगा जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाता है। तो आगे जो भी हो सकता है वो कार्य जारी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हैं, कोर्ट बंद हो रहा है 1 तारीख तक और फिर 2 तारीख को प्रारंभ होगा। लेकिन हम लोग कोर्ट बंद रहेगा, बैठेंगे नहीं। जितना हो सकता है शासन प्रशासन से भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर और सचिव पे दबोच डलवाएंगे, जिससे हमारा कार्य आसानी से हो जाए। लेकिन जो धनराश आपसे मांगा गया है वो जरूर करिए, जिससे पैसे की कमी ना होने पाए। आप 10 लाख भी खर्च करोगे तो आपको वर्दी नहीं मिलेगा। ये हमारे जीवन का लास्ट चांस है, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भाई नहीं दिए हैं वो दे दें। जय हिंद, जय भारत।